बिसमिल्ल रिम असल मैं वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल रेसिंग बेनिया पर मुझसे एक सिस्टर ने सवाल किया था कि फ़्रंट और बैक के पैनल्स शर्ट के जब भी मैं शोल्डर से स्टिच करती हूँ तो ऊपर की तरफ झोला आ जाता है तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिलाई का मार्जन एक जितना ही तिरछान में जाए साइड की फ़िटिंग करने से पहले हम नेक लाइन बना लेंगे और इस तरीके से फ्रंट और बैक के पैनल्स को बिछाएंगे और सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ ले जाके इसे ऊपर से आयरन कर देना है ताकि एक क्रिस्प किस्म का एज बन जाए और अगर किसी किस्म का झोल है तो यहाँ पर हमें पता चल जाए यहाँ पे एक वजह और भी हो सकती है कि फ्रंट और बैक में से किसी एक पैनल के शोल्डर को हम खींच के स्टिच कर रहे हैं तभी तो उसकी वजह से उसमें झोल पड़ रहा है ये देखिए अगर हम बराबर स्टिच करेंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा सिलाई का मार्जिन सारा मैंने बैक की तरफ निकाल दिया है स्टिचिंग करते हुए पहले ये ध्यान रखी लिया करें कि फ्रंट और बैक के जो हमारे शोल्डर्स का ये मार्जिन होता है ये एक बराबर है फिर इसके बाद स्टिच कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसकी एज बना लेंगे यानी इसका कॉर्नर बना लेंगे फिर हम साइड की फिटिंग कर लेंगे और स्लीव्स इसके साथ अटैच कर लेंगे उम्मीद है मैं आपको आपके कन्फ्यूजन क्लियर करने में कामयाब हुई हूँ अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट किसी नए आइडिया को लेकर तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़